न्यूज 18 के मेगा ओपिनियन पोल की, मध्य प्रदेश के 29 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को बंपर बढ़त मिल रही है। ओपिनियन पोल में कांग्रेस की करारी हार दिखाई दे रही है। 28 सीटों पर बीजेपी तो एक सीट पर कांग्रेस पार्टी की जीत यहां दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल में साल 2019 वाला ही प्रदर्शन ओपिनियन पोल में रिपीट हो रहा है। लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले न्यूज 18 का मेगा ओपिनियन पोल, जिसमें मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 28 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में एक ही सीट जाती नजर आ रही है। और मेगा ओपिनियन पोल के इस आंकड़े से साफ जाहिर है कि 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, उस वक्त जो परिणाम आए थे, कुछ ऐसे से ही परिणाम इस ओपिनियन पोल में दिखाई दे रहे हैं। और इस ओपिनियन पोल की खासियत यह है कि अब तक ऐसा ओपिनियन पोल हुआ ही नहीं है, और ये मेगा ओपिनियन पोल जो न्यूज 18 के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत लोकसभा चुनाव में मिलती दिखाई दे रही है। और इस लोकसभा चुनाव का ओपिनियन पोल ये कहता है कि मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर जीतने वाले जो दल हैं, 28 पर भारतीय जनता पार्टी, तो सिर्फ एक पर कांग्रेस पार्टी को जीत मिलती दिखाई दे रही है। इस ओपिनियन पोल में मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटें, जो कि काफी मायने रखती हैं इस बार के लोकसभा चुनाव में, इस बार का जो लोकसभा चुनाव वो काफी दिलचस्प रहने वाला है। और 29 लोकसभा सीटें जो मध्य प्रदेश में, उनमें से 28 सीट्स भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती दिखाई दे रही है। और इस बार एकमात्र सीट, जो कि 2019 में भी ऐसा सा ही कुछ प्रदर्शन था, और इस बार भी कुछ ऐसी ही पुनरावृत्ति हो रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी को एकमात्र सीट यहां पर मिल रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 29 में से 28 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। मेगा ओपिनियन पोल न्यूज 18 पर लगातार जारी है। मध्य प्रदेश के अलावा अगर कुछ और प्रदेश की बात करें, मसलन उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, तो 77 सीट्स एनडीए के खाते में जा रही है। कांग्रेस सपा के गठबंधन को 2 सीटें मिल रही हैं, जबकि एक अन्य के खाते में जा रही है। ओपिनियन पोल में हम बात करें उत्तर प्रदेश की, और इस ओपिनियन पोल में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए दूसरी लिस्ट जारी की। उससे पहले ओपिनियन पोल क्या कह रहा है वो आपको बता दें कि कांग्रेस को मध्य प्रदेश में मात्र एक सीट, उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस दोनों के गठबंधन को 2 सीट्स मिल रही हैं। और बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इसमें मध्य प्रदेश की बाकी बची 5 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए गए हैं, और इस तरह से कुल मिलाकर सभी 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है। और इंदौर से शंकर लालवानी को उम्मीदवार बनाया गया है। उज्जैन की बात करें तो उज्जैन से अनिल फिरोजिया को टिकट दिया गया है। छिंदवाड़ा से विवेक बंटी साहू उम्मीदवार बनाए गए हैं। बालाघाट से भारती पारधी को उम्मीदवार बनाया गया। धार से सावित्री ठाकुर को प्रत्याशी बनाया गया। छिंदवाड़ा से विवेक बंटी साहू को नकुलनाथ से मुकाबला करना होगा। विवेक बंटी साहू भाजपा के जिलाध्यक्ष हैं, और साल 2019 में छिंदवाड़ा सीट पर उपचुनाव में कमलनाथ के खिलाफ चुनाव लड़े थे, और तब से वे करीब 25,000 वोटों से हारने के बाद लगातार काम कर रहे हैं। और बीजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी।
और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।